तो आज सुबह सुबह के बजे हैं 4:30 और अभी बन रही है इधर चाय। हम लोग थे दिल्ली में, दिल्ली हम लोग कल आए थे शाम में, तो अभी हम लोगों को निकलना है अपना बनारस के लिए, क्योंकि हमारा बनारस का सफ़र शुरू हो चुका है। तो परसों हमने पैकिंग कर दी थी, कल हम दादरी रुके और रात में हम लोग कल यहाँ आ गए थे। तो अब यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी फिर रह जाएगी, तो इसलिए रोहन का प्लान था कि पहले गाड़ी से चलेंगे, बाद में आना जाना तो ट्रेन से भी या फ्लाइट से भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ट्रेन गाड़ी ले जानी पड़ेगी। तो हमारे ड्राइवर साहब इधर है, तैयार हो आप लंबे सफर के लिए? आर उधर अभी डीटू सोया हुआ है और इधर वैदिक सर हुआ है। वैदिक इसका तो सोना ही अलग है। मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये दोनों भी इसमें मेरा सामान है। तो ये 8 तो ये बैग है और एक ये मेरा हैंड बैग है जिसमें थोड़ी सी हमने रख ली है नमकीन, ये कल मम्मी ने बनाए थे, ड्राई फ्रूट है सिर्फ इसमें, इन सबको रोस्ट करके और कुछ अच्छा सा है, टेस्ट बढ़िया है वो है। इसमें कुछ डाइपर हैं जो ऊपर ही रहेंगे, 2-3 सीट है जिसे बिछा सकें और वेट वाइप्स है जिससे हम वैदिक को पहुँच सके बाई चांस अगर वो पोटी वोटी करे तो। उसके अलावा प्लानिंग दिखानी तो ज़रूरी है ना। उसके अलावा यहाँ पे हमने 3 बोतल दूध की ले ली है, जो कि 3-4 घंटे जो हम नॉनस्टॉप चलने वाले हैं उसके लिए ठीक रहेगी। तो ये 3 बोतल हमने दूध की ले ली है। वो ज़बरदस्ती उठा रही है कि उठ जा रही, तो बारिश आ गई, उसको बेचारे को नींद आई है, तो कोई बात नहीं। पर ये कि सामान ज़्यादा है तो नीचे गाड़ी में सामान दोनों को, तीनों को लेके जाना पड़ेगा। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, मैं बिना चाय के ना तो सोती ना उठती ना क्या दिखना रोहन रोहन ने कहा कि तेरी चाय तो आगे चल के बंद करना, रोहन ने कहा तेरी चाय आगे चल के बंद करने वाला हूँ मैं, क्योंकि तेरा मुँह ऐसे ना सूखता जा रहा है और फिर बोलती है कि मैं पतली होगी पतली होगी। तो अभी फ़िलहाल चाय पीऊँगी, आज की चाय दिल्ली वाली, और बस फिर नीचे चलते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं बनारस के लिए। अभी सब सोए हुए हैं आराम से, हम ही जग रहे हैं बस, ये तो अभी सोया हुआ है, इसको तो अभी नींद इसकी पूरी नहीं हुई है। तो हम जा रहे हैं, गाड़ी आगे खड़ी है तो फिर वहीं तक जाएंगे, सामान रोहन और ने सारा रख दिया है। और टीटू बनारस में मिलेंगे, आना दीप दीपावली पे, पहले हम आएंगे दिवाली पे, फिर ये लोग आएंगे देव दिवाली पे, ठीक है? तो चलते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमें दिल्ली क्रॉस करने में लग जाएगा 1-1.5 घंटा। तो हम लोगों ने सोचा फिर रेस्ट किया जाए, एक्चुअली रोहन का पेट थोड़ा सा ख़राब है, रोहन थोड़े से लूज़ हो रहे हैं क्या हुआ? तो इधर मतलब हमें वॉशरूम वगैरह जाना है, तो इस वजह से हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे मिल गया है तो रेस्टोरेंट वगैरह, तो देख लेते पार्क कर देते हैं गाड़ी कहीं पे, यहाँ है ना स्पेस। तो अभी मैंने ले ली है स्टारबक्स की कॉफ़ी, कितने अच्छे तरीके से इन भैया ने ऊपर किसका वो बना रखा लीफ का डिज़ाइन। रोहन अच्छा, रोहन ने लिया कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड तो नहीं है वैसे, ये हॉट ही है, हॉट है पर थोड़ी सी कोल्ड जैसी लगी मुझे तो। और इडली सांभर बड़ा पाव, बड़ा पाव बोलते इसको क्या बोलते हैं, इडली सांभर वड़ा, वड़ा 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 पाव ही वड़ा। और ये है आलू और पूड़ी। वैदिक ने अभी पोटी कर दिया, तो भैया चलो क्या कर सकते हैं, बच्चे तो हैं ही, करेंगे उल्टे सीधे काम है ना। तो अभी हम यहीं पर वैदिक की पहले पोटी साफ कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। पहला टोल टैक्स, तो अभी तक हम लोग दिल्ली से निकले हुए हैं तब से अभी तक का ये पहला टोल टैक्स है, एक पीछे था पर वो अभी चालू नहीं था तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। वैदिक हमें पका रहा था तो पिंकी ने क्या किया कि वैदिक को दिखा रही है कार्टून, तो वैदिक अभी मजे से कार्टून देख रहा है। नहीं, इस बच्चे ने जीना हराम हमारा कर रखा है और ये आराम से बैठ ही नहीं रहा, सब कुछ छेड़ना है, पूरी गाड़ी को इसको चलाना है, मेरे गियर इसको डालने हैं, साउंड इसको तेज करना है, ये जो ऊपर डोरी बाबा जी की ये जो रखी है इसको इसको खींचना है। तो इतनी ये शरारत कर रहा है, ये बदमाश बच्चा है और ऊपर से दांत दिखा रहा है। और अभी ना हम व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो इसको ये लग रहा है कि मैं भी अपनी प्रेजेंस दिखाऊं ना वैदिक।
भरवा ले, मतलब पेट्रोल पंप भी अभी उन्होंने कब हमने वो टोल टैक्स पार किया था तो उन्होंने 80 किलोमीटर बताया था कि आपको पड़ेगा, उससे पहले आपको कोई तो वो नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो अभी 80 किलोमीटर हो गया, हमें चलते चलते नॉन स्टॉप चल रहे हैं, उससे पहले भी चल ही रहे थे, उससे पहले बहुत देर हो गया था तो कुछ नहीं था रास्ते में। अभी भी पेट्रोल पंप कह रहे हैं कि अभी 10 किलोमीटर और है आगे, चल रहे हैं, थक गए हम तो चलते चलते। मैं देखो अभी नींद ही आ गई बेचारे को, फिर से देखते हैं पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा खड़े होएंगे, पैर में से दर्द होने लगे बैठे बैठे गाड़ी पे। हमें पेट्रोल पंप मिल गया है फाइन, फिर ढूंढना पड़ेगा नहीं तो पेट्रोल पंप। फाइनली डीजल है इधर, तो इधर भी डीजल है, पेट्रोल आ गया। तो भाई 5-7 मिनट मैं भी सो ली और मैं दिखने तो काफ़ी एक डेढ़ घंटे की नींद ले ली। तो उसके बाद अभी काफ़ी देर से चल रहे हैं तो सोच रहे थे कुछ मिल जाए कुछ खा ले, अब भूख का टाइम हो गया है सुबह से, बस वो दो पूड़ी खाई थी, ज़्यादा पूड़ियाँ थी भी नहीं ना। रोहन ने तो वो भी नहीं खाया था, रोहन ने तो और ही लाइट वेट खाना था। तो बस अभी आए हैं यहाँ पे है एक फूड किंग प्लाजा, चलते हैं खा लेते हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे बढ़िया सा। अभी है कि हमें टाइम लगेगा, अभी काफ़ी लगेगा, लखनऊ तक ही हम लोग वैसे जाने वाले हैं, अभी वहीं पे आज स्टे करेंगे तो अभी वहाँ तक जाने में भी है डेढ़ घंटा, इसलिए पहले सोचा कुछ खा लेते हैं फिर चलेंगे आगे। चलो खाना तो खाएं भाई, खाएं। पीछे चल रही है वहाँ पे बहस, हमें लग रहा है थोड़ी देर हम भी यहाँ से कुछ खा के जाएंगे तो हमें भी बहस करनी पड़ेगी। क्या है कि इतना बड़ा वो दिखा रखा है यहाँ पे ये, पर ऊपर गए तो वहाँ कुछ खाने में ऑप्शन नहीं है ढंग के, और ना कोई चीज़ ढंग से दे रहे, ऊपर से प्राइस इतना एक्स्ट्रा दिख रखा है। फिर है कि ये बेकार से मैं आए, मतलब ये है कि थोड़ा सा चाय नाश्ते का मन तो है कि कुछ तो खाएं भाई। तो अभी अंकल चाय पे ही लड़ रहा है कि चाय, इन्होंने बोला था स्पेशल चाय चाहिए कि स्पेशल में भी इतनी चीनी थी कि अंकल ने तो बेचारे ने उठा के फेंक दिया, वो भैंस चल गई पीछे। हम भी सोच रहे हैं चाय हमने गलती ना कर दी हो मंगा के, कि चाय का तो वही है ना अच्छी, कह रही बनी हुई रखी है सबको वही दे रहे हैं, स्पेशल क्या हुआ फिर उसमें। देखते हैं अच्छी आएगी तो ठीक है, नहीं तो। पर अभी भूख बहुत ज़्यादा है तो हमने मैगी बनवाई है, यहाँ पे कुछ नहीं खाने का समझ आ रहा, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है तो बस मैगी बनवाई है, 2 चाय 2 मैगी खा लेते हैं, होटल जाके अपना खाना वहीं खाएंगे। अब जाके मैगी दे दी, मैगी बड़े स्टाइलिश बाउल में डाल के दी है, बट टेस्ट बहुत घटिया है दोनों की मैगी दोनों की चाय, चाय बिल्कुल ठंडी है। मैंने बोला भाई गर्म तो कर दो भैया, कह रहे गर्म है ये। वैदिक भी बेचारा खराब मैगी खा के खराब मुंह बना रहा है। नहीं वैदिक नहीं, ये काम अच्छा। तो रोहन अभी काफी ज्यादा थक चुके, 6 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ और अभी 2:30 बज गए हैं। तो अभी हम लोग लखनऊ में एंट्री कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पे हमें कोई होटल वोटल देखना पड़ेगा क्योंकि 3:30 बज गए हैं और है तो गाड़ी, और हमें नहीं लगता कि हम 4 घंटे और आगे जा सकते हैं चला के, तो अभी कहीं ना कहीं यही देखते हैं, रुकते हैं, ढूंढेंगे। देखो भाई लखनऊ भी, हम तो लखनऊ पहले घूमेंगे शाम में थोड़ा सा, शक्ल ऐसे टैन आ गया पूरे मुंह पे, ब्लैक 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 हो गए हम लोग, ब्लैक ब्लैक हो गया, ब्लैक ब्लैक। चलो होटल देख लेते हैं और थोड़ा सा नहा धो के रिलैक्स होते हैं, बहुत परेशान हो गए। मैंने सोचा पहले अपना, हमने यहाँ पे रूम लिया है तो मैं कहा दिखाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ हमने अपना सारा बोरा बिस्तरा पटक दिया, ये इन्होंने स्टार्टिंग में एक अलमारी दी हुई जो कि खाली है और हमें भी इसमें कुछ नहीं रखना है, तो थोड़ा बहुत सामान है यहीं रख दिया हमने। तो गेट को करते हैं बंद, तो यहाँ से चलते हैं। तो ये है यहाँ पे, मतलब छोटा सा रूम है ये, बहुत बड़ा नहीं है बट सुंदर है। तो ये बेड हो गया और इधर टीवी हो गया, इधर इग्नोर दिस डर्टी फेस, तो इधर ये मिरर हो गया, इधर 2 टेबल और अपना नहीं 1 टेबल और 2 चेयर दे दिए कि अपना खाना वाना खाओ, इधर ये वैदिक हो गया और ये बढ़िया, वैसे एसी है पंखा है, नाइस सुंदर। आजो आजो इधर आजो, उधर जाओ पापा पास जाओ, पापा पास। और ये है इसमें वॉशरूम, वॉशरूम भी देख ले, और बापरे डरा दिया वैदिक। तो ये है वॉशरूम, ठीक है भी अच्छा है, नाइस साफ सुथरे टॉवल वगैरह टॉयलेट
डस्टबिन नाइस। चलो पहले फटाफट शावर ही लिया जाए, शावर भी है बड़ा सा ऊपर। चलो वैदिक को देते हैं पहले शावर, है नंगू को। नंगा पंगा सबसे गंदा क्यों है, पानी ठंडा तो नहीं लगेगा ज्यादा। और इधर ये देखते हैं इधर क्या है, मैंने भी नहीं देखा। अरे बाप रे इतनी बड़ी विंडो। हाँ ऐसे लग नहीं रहा है कि मतलब देख के ना ये विंडो होगी, ऐसा लग रहा ना कि भाई हम उस पार जा सकते हैं। तो ये ऊपर से ऐसा होटल है, नाइस भाई बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। आ हा हा, ये है हमारा कौन सी जगह थी, लखनऊ। अच्छा है, बढ़िया है, रूम छोटा है पर ठीक है, तो ही बंदे हैं कितना क्या ही चाहिए, बट अच्छा है, साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन, और नीचे का पूरा एरिया भी एकदम अच्छा है। तो लो हम अभी शाम में थोड़ा बाहर निकलेंगे तो वो भी दिखाते हैं। सही है, पानी गर्म है, नॉर्मल है। तो पहले नहा लेते हैं, फटाफट फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद कुछ मंगाते हैं, खाना वाना खाते हैं। यार पेट में ऐसे गुड़ गुड़ हो रहा है, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। रोहन ने बनाई काले काले चाय है, और वैदिक इधर पता नहीं क्यों ही रोए जा रहा है। देखो अभी सो के उठा है जबकि, और मैं भी अभी सो के उठा जस्ट। और चलो मैं तो जा रहा हूं, मैं नहा धो के खाना खाया, खाना ही ऊपर ही मंगा लिया था, थोड़ा थोड़ा खाया और उसके बाद सो गए। बस बस, तो रोहन उधर तैयार हो गए कि चलो थोड़ा ना लखनऊ में कह रहे हम चल घूम के आएंगे, सोना नहीं है। तो 6:30 हो रखे हैं, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलो फटाफट चाय खत्म कर दूं मैं अपनी, चलते हैं बाहर। वो खोलना गेट उधर से, नहीं बड़ी खिड़की है, इतना बड़ा शीशा लगा हुआ उसमें कि हम ही बैठ के दिख रहे हैं उसमें। चले चले, हम सब हो गए अभी रेडी। रेडी तो क्या, बस आकर के सो गए थे, सोने के बाद वैदिक अभी उठ करके रोने लगा तो सभी उठ गए, मेरा बच्चा। तो अभी देखते हैं कुछ डिनर वगैरह करके आते हैं, और तो सभी को लेके जा रहे हैं भाई, वैदिक भी तैयार है। वैदिक आर यू रेडी फॉर डिनर? यस। दरवाजा बंद नहीं हो रहा, क्या बात हुई, नहीं हो रहा मेरे को, दे दया को करना पड़ेगा। आइसक्रीम फलूदा, वरना फलूदा वैसे हम लोग जो खाते थे ना सैटरडे मार्केट में, वो एकदम ना पानी पानी मतलब रहता है। और ये है हमारी मीठी लस्सी, तो हम लोग ना बस ऐसी जो यहाँ पे पास में एक नॉर्मल मार्केट है, ठेले वाले सब खड़े हैं यहाँ पे मस्त एकदम ठीक ठीक पैसों में ठीक ठीक खाना। तो और इधर सामने ना मंदिर है, भैया अड़ गए आगे, हनुमान जी का मंदिर है इधर सामने। वैदिक वैदिक नो बच्चा, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, गो देयर गो देयर। वैदिक और पिंकी बोले कि हमें नूडल्स खाने हैं, तो मैं पिंकी को लेकर के आया हूँ आर्यन रेस्टोरेंट। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब काफ़ी साफ सफाई इस रेस्टोरेंट पे, और बढ़िया भी है। तो ये दोनों अपने मैं जो वैदिक वैदिक हेलो चिकन उद्योग तो और जाएंगे वहाँ। यहाँ पर पिंकी को ये चिकन के कपड़े पिंकी ने एक दो बार पहने, तो बोली कि ये मैं ट्राई करवाना, तो खा पी करके हम तो आ गए थे होटल के अंदर। पिंकी अभी लगी है बाड़ों को ड्रेसिंग करने, और वैदिक जी ने भी एक कंघा पकड़ रखा है, मजा गंदा है। तो बस वही था भाई, आज का दिन काफ़ी थका हुआ, और फिर आकर के थोड़ा सो भी लिए, फिर थोड़ा मार्केट भी घुमाए, और आज हम लखनऊ के बीच मार्केट के अंदर चले गए थे, जहाँ पर मतलब वो मार्केट भी हमने देखी जहाँ पुराना लखनऊ, वहाँ पर क्या कहते हैं चिकन वाले सूट मिलते हैं, हाँ चिकनकारी सूट साड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। हालाँकि देखना चाहा पर अभी थोड़ा शाम ज़्यादा हो गई थी, तो दुकानें वगैरह बंद होने का भी टाइम हो गया था, तो फिर हमें लगा कि फिर कभी इन फ्यूचर आएंगे, अभी भी रहते, फिर हमने एक रेट का आइडिया ले लिया, फिर भी तो लिया था 650-700 रुपये का। पर ये कभी हम जब बनारस से वापस आएंगे ना लखनऊ, तो हम आते हुए कभी ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है चिकनकारी सूट,
पता है चिकनकारी के अंदर एक खासियत ये होती है कि जो उसका कपड़ा होता है, मैं अपल क्या ना झूठा है वो आदमी बैठ चुप रही है, सब सच नहीं था उसने। नहीं भाई, किसी ने ये बताया कि ना चिकनकारी सूट जो होते हैं उनका जो कॉटन होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, गर्मियों के लिए सबसे बढ़िया होता है, लोग पांच पांच छह छह कुर्ती या वहाँ पर ले लेके जा रहे हैं। देखा कितनी भीड़ लगी है। हाँ, तो लोग लेते ही हैं चिकनकारी, तो वैसे ही आजकल ट्रेंड ही चल रहा है चिकनकारी का। हाँ, तो लोग ले रहे थे, बाकी वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो फिर हम बस गए, थोड़ा आइडिया लिया, रेट कर वापस आ गए। तो अभी तो आगे रूम पे खाना वाना भी हमारा हो चुका है और अभी हम करेंगे रेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। होटल है जहाँ हम रुके हैं, अच्छा होटल है, मतलब नया खुला है, माँ कृपा करके होटल है। जब हम, मेरे को नहीं पता रोड वोड का नहीं पता, पर बाईपास से थोड़ा सा अंदर आ करके फ्लाईओवर के पास है, ये कौन सा फ्लाईओवर, ये इस साइड से मलियाबाद के लिए जाते हैं, मलियाबाद के आम बड़े फेमस है कहते हैं, मेरे एक दोस्त भी वहाँ पर रहता है इसलिए मेरे को थोड़ा आइडिया है। तो ठीक है, बाकी कल सुबह मॉर्निंग में हम निकलेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करके और फिर बनारस जाएंगे, वहाँ जा करके अपना आप लोगों को एक नया घर दिखाएंगे, उसका टूर करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं हम आप लोगों के एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।